नमस्कार, मैं हूं बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं B4Pin.in। और इस वक्त मैं मौजूद हूं होटल मौर्या, जहां फिल्म सुपर 30 के अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं। और अभी मेरे साथ यहां मौजूद हैं फिल्म में सुपर 30 के बच्चों के किरदार निभाने वाले सभी कलाकार। तो आइए इनसे हम रूबरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सभी के सभी बच्चे बिहार से हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत शुरू करते हैं। मेरा ऐसा नाम मनीष कुमार है, मैं करेक्टर नेम जू, एक परिवार में रहता है, वो गटर में काम करता है और वो 10th क्लास पढ़ चुका है, IIT पढ़ना चाहता है। IIT पढ़ने के लिए वो सोचता है कहीं कोई फ्री में कोई पढ़ा है, वो खोजता रहता है तो अचानक उसे एक पुर्जी मिलती है, उस चीट को उठाता है, उस ले जाकर और उस IIT में एग्ज़ाम में जाता है, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम में क्रैक करता है, बट एक मार्क्स कम आते हैं जिसकी वजह से उसका एडमिशन नहीं। और मेरा करेक्टर है कि उसके बाद मेरा एडमिशन नहीं होता तो सर के आता हूँ, कहता हूँ सर मुझे एडमिशन ले लीजिए सर, तो बोलते हैं एक मार्क्स कम है, वो ज़िंदगी में अगले बार फिर से एग्ज़ाम दो, अगली बार आओ, और इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं होता है और मैं चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ मूवी से। फिर बाद में मेरी एंट्री होती है कि एक लड़का वहाँ से भाग जाता है पैसा चुरा कर, तो उस जगह पर मुझे बुलाया जाता है कि वो अज्जू नाम का एक लड़का जो चला गया उसको बुला के लाओ और उसके साथ उसको बुला के लाओ और कल हम लोग इंग्लिश में प्ले करेंगे, उसको 20 मिनट तक करना है। अब मेरे साथ समस्या ये रहती है कि अब कल प्ले करना है और अभी आए हैं कल प्ले करना है और इंग्लिश में भी, और हम कोई मतलब नहीं होता, हम लोग IIT के बारे में कुछ नहीं जानते अच्छे से, ना इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं, पर करना रहता है करते हैं और लोग सर को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं इससे। मतलब मुझे करके बहुत ही अच्छा लगा, इस तरह के काम करके इस मूवी में एक यादगार पल हो गया मेरे लिए ये, कि इतना ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट मूवी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं थिएटर तब शुरू से करता था पर एक लगता नहीं था कि मैं कभी मूवी में जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, सोच रहता था मन में कि कहीं मूवी में मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। नए बच्चे आते थे तुरंत मूवी में कर लेते थे, मैं 10 सालों से थिएटर करता था, मौका नहीं मिल रहा था, पर मुकेश छाबड़ा सर आए, कास्टिंग किए मुझे और मुझे चुना और मैं उनके साथ ऋतिक सर के साथ काम किया, विकास भाई सर के साथ काम किया, करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हुआ मैं इस देखकर के, तो मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि मुझे लगता है कि मैं अब कुछ काम कर सकता हूँ, ऐसे बैठा नहीं रह सकता हूँ। और कुछ लोग मुझे बात करेंगे जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम दीपाली गौतम है, मेरा कैरेक्टर नेम कुसुम है। कुसुम एक बक्सर से है और उसको पढ़ने की इच्छा होती है, तो वो जब वो गुलेल मार रही होती है उस टाइम पे उसे एक पर्ची मिलती है, तब वो आनंद सर के कोचिंग में जाती है, कुसुम बायोटेक इंजीनियर बनना चाहती है। तो इसी तरीके से मूवी में जैसा आप देख चुके हैं मूवी, मैं पूरा डिस्क्लोज नहीं, मूवी अब तो रिलीज हो गई है और लोगों का प्यार भी मिल रहा है, कैसा लग रहा है रिलीज होने? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अभी थिएटर भी गई थी, लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग नाच भी रहे हैं बसंती नो डांस पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख कर कि जनता को पसंद आ रही है और मूवी इतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी कर रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऋतिक रोशन के साथ काम करके कैसा? बहुत ज़्यादा अच्छा, जैसा ऐसा बाहर से लगता है कि सर इतने बड़े स्टार हैं थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सेट पर भी सर हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते थे, बहुत डाउन टू अर्थ हैं सर, कोई भी प्रॉब्लम होती थी सर हमेशा कि नहीं टाइम ले लो, थोड़ा जितना भी टाइम चाहिए आराम से पानी पी लो, जो चाहिए कर लो, उसके बाद हम लोग सीन स्टार्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा। जब पहली बार ऋतिक रोशन से मिले तो आपको? जी, हम लोग पहली बार सर से तब मिले थे जब हम लोग 15 दिनों के वर्कशॉप के लिए मुंबई गए थे दिसंबर में, तो उसी टाइम पर हम सर से पहली बार मिले थे। उस टाइम पर सर के साथ ऐसा एक्सपीरियंस था, सर उस टाइम पर बिहारी सीख रहे थे, तो उन्होंने हमें काउंटिंग करने को बोला 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, फिर सर ने हमारे साथ गाने भी गाए, सबके परफॉर्मेंसेज देखे, सबसे बातचीत करी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस टाइम पर भी। आपका इंटरेक्शन सबसे पहले कब हुई? हमारा इंटरेक्शन वही दिसंबर में हुई थी, दिसंबर में वर्कशॉप में हम लोग गए थे, उस टाइम पे हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन। फिल्म विवादों से भी घिरा रहा, उसके बाद रिलीज भी हो गई है, वहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे देखते हैं? आई थिंक जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती होती है उसी की चीज़ें लोग उसके पीछे ही लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इतना जो हमने वेट करा है उसका फल सबके सामने है ही, अगर जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज थी आज उसके लिए ये वर्थ जा रही है, मूवी इतनी अच्छी कर रही है, तो कॉन्ट्रोवर्सीज तो अब ख़त्म हो चुकी हैं और लोगों को भी असलियत मालूम चल चुकी है, तो नो कमेंट्स ऑन दैट, बट अभी मूवी इतनी अच्छी कर रही है तो आई थिंक सबको पता चल गया होगा कि कॉन्ट्रोवर्सीज वो बैड लक फॉर देम, सो मूवी इज़ डूइंग वेल एंड वी आर रियली proud of ourselves and the movie too, so thanks to everybody who casted us, Vikas sir, Mukesh Chhabra sir, Ritik sir, aur movie acha kar bhi rahi hai, acha collection bhi kar rahi hai aur Bihar mein bhi tax free kar diya gaya hai, to kya ji iske liye to hamara aisa starting se sabko hi bol rahe the ki Bihar mein to tax free honi chahiye, in fact pure India mein honi chahiye tax free, but ye bahut acha चीफ मिनिस्टर साहब ने जो किया है बहुत अच्छा लग रहा है, कल ही न्यूज़ हमारे को मिली रात को, तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि टैक्स फ्री हो गई और ऊपर से बिहार की मूवी है तो होनी ही है। अभी ऋतिक रोशन आए हुए हैं, आप लोग मिले कि नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा थी और इंटरेक्शन तो आपने भी देखा है कितना ज़्यादा रफली हो गया, तो इसके लिए हमारी सर से बात हुई थी, बट सर ने बोला कि अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि बट इतना ज़्यादा फैन क्लब के लोग भी थे तो उसके वजह से, बट सर से तो ऐसा मिलना जुलना रहता ही है, तो
कोई इस बात की वो नहीं है कि नहीं सर से नहीं मिल पाए, थोड़ी अच्छा, सभी सभी लोग थिएटर से? नहीं मैं नहीं हूँ थिएटर से। मूवी से पहले और अभी तक अपने आप को कितना चेंजिंग देखते हैं? बहुत ज़्यादा चेंजिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जब हम लोग बाहरी दुनिया से देखते थे तो मूवी बॉलीवुड बहुत ज़्यादा ग्लैमरस दिखती है, बाहर से लोगों को लगता है कि स्टार्स की कुछ यू नो मेहनत नहीं है, बहुत ठाट बाट से रहते हैं, बट वहाँ जाके पता चलता है कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग जब सांभर गए थे हमने 50 डिग्री में शूट किया, इतनी ज़्यादा धूप थी वहाँ पे। बॉम्बे में भी हर एक शॉट के लिए हम लोग 16 से 17 घंटा शूट करते थे, लाइटिंग होती थी, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक शॉट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आपने कितना बदलाव आया मूवी के? आई थिंक थोड़ा बहुत बदलाव आया है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत बदलाव आया है, थोड़ा बहुत चेंजिंग्स आए हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आ गया है, तो इस तरीके से। आगे क्या प्लान है, मतलब कि मूवी में आगे? अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो क्यों नहीं, मूवीज़ भी बहुत अच्छी लाइन है, अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो क्यों नहीं, बट बैंकिंग की तरफ ज़्यादा। चलिए मेरा नाम प्रिंस है, कैरेक्टर नेम चंदू है, जो झूला झुलाता है, जो आपने देखा ही होगा ट्रेलर में स्टार्टिंग में झूला झुलाते हुए पैर से उतरता है, तो वही मैं हूँ। और झूला की मेरा बिजनेस रहता है, हमको भी आइटिंग करने का मन रहता है स्टोरी में, उस स्टोरी में। और भी करके कैसा काम लगा है? बहुत अच्छा लगा है। वैसे हम बेसिकली थिएटर से हैं, तो थिएटर के बाद जब फिल्म में आप करते हैं तो बहुत सारा डिफरेंस हो जाता है। आप थिएटर में जो लाउड करते हैं ऑडियंस को दिखाने के लिए, थिएटर किया जाता है कि ऑडियंस दूर तक हमारे एक्सप्रेशन को देख सके, लेकिन मूवी में ये होता है कि हमारे एक्सप्रेशन को कैमरा कैच कर ले रहता है, बहुत क्लोजली हम लोग रहते हैं और पूरा डाउन करना पड़ा। मुकेश सर ने भी बहुत हेल्प किया, विकास सर, ऋतिक सर, सारे लोग ने बहुत हेल्प किया, बहुत विकास सर तो और भी क्लोज, डायरेक्टर हीरो, मतलब पता नहीं चला कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, सारे लोग घुल मिल कर रहे हैं दोस्त के साथ, बहुत मज़ा आया। और हम लोग में बहुत चीज़ चेंज भी हुआ, हमारे मोहल्ले का भी सोच के चेंज हुआ, और मैं लोहानीपुर से हूँ तो उनका भी मन बदला, और आज हम लोग सोच करते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। मेरे जो दोस्त हैं वो भी सोचते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, उनको इंस्पायर मिला। और मैं बोलना चाहता हूँ सबसे कि सुपर 30 मूवी देखे, बहुत मोटिवेशनल मूवी है, और आनंद सर पे वेस है, और उन्होंने बहुत मेहनत की, आरितिक सर ने बहुत की, मज़ा आ गया। चलिए तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि मूवी सब लोगों को देखनी चाहिए, तो आप देखते रहिए बिफोर पिन डॉट इन। धन्यवाद।